सुप्रभात मेरे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्यामा शर्मा आज आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है भाषा अधिगम एवं व्याकरण उसका अध्याय एक जिसका नाम है भाषा लिपि व्याकरण और हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से इस अध्याय को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारा आ रहा है बच्चों भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, ठीक है। यह है भाषा। भाषा यानी जो भाषा हम बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जो भी हमारी भाषा है। हम अपने मन के जो विचार हैं, हमारे भाव हैं, हम दूसरों तक पहुंचाते हैं किसके माध्यम से? भाषा। और दूसरों के मन के विचारों को और भावों को समझते हैं भाषा में। तो भाषा जो है हमारे मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, ठीक है। मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियां भाषा कहलाती है, सार्थक ध्वनियां जिनका कोई अर्थ निकलता, ठीक। अब भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। दो रूप में पहला रूप है मौखिक भाषा जो कि मुख से बोली जाती है, और दूसरा है लिखित भाषा जो कि हम लिख करके व्यक्त करते हैं अपने मन के भाव विचार जो भी। लिखित भाषा में हम केवल मन के विचारों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं, और मौखिक भाषा में हम अपने मनोभावों को दूसरों को से कहकर या सुनकर जो है उनको ग्रहण करते हैं, ठीक है। विश्व में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। कई प्रकार की भाषाएं हैं जिनमें से जिन्हें जो संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया। इनमें भारतीय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी और आग्नेय परिवार प्रमुख। विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत, हिंदी आदि। तो ये तो था बच्चों आपका भाषा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको लिपि के बारे में समझाऊंगी। अभी आप भाषा के बारे में अच्छे तरह से पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिएगा।